हाई एवरी वन वेलकम मैं हूँ कृतिका दिस इज ओर टू आई एस अकेडमी और हम आगे बढ़ रहे हैं सार्थी सीरीज़ की मेन आंसर राइटिंग के साथ में सो so, ये आपका जी एस का स्केड्यूल भी है मैं इसमें से हिमाचल वाला जो पोर्शन है वो कवर करूंगी ऊपर दिए गए आई बटन में जो वीडियो है उसमें आप अपना स्केड्यूल चेक कर सकते हैं तो आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं जी एस थ्री का टूरिज्म टॉपिक सो द होल आइडिया ऑफ़ दिस लेक्चर इज़ कि इसके बाद में टूरिज्म के ऊपर किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो आप उसमें जो है अच्छा एक आंसर वहाँ पर फ्रेम कर सकते हैं जर्नलाइज चीज़ें तो सभी लिख देते हैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं एज वेल एज़ फिगर जो हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले हम थोड़े से पी वाई क्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि हर साल पूछे ही जाते हैं एज वेल एज़ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रेलिवेंट टॉपिक्स जिनके ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है लेकिन देर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि इस बार पूछ लिया जाए राइट एंड में मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगी ताकि आप जो है आंसर लिख के हमें भेजें और जो टीचर्स हैं वो उसको इवेलुएट करके आपको बताएंगे व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू इंप्रूव तो आपने ऑलरेडी सिलेबस देख के रखा है जी एस थ्री में सब टॉपिक जो है लास्ट वाला वो टूरिज्म के ऊपर है स्पेसिफिकली पॉलिसी से लेकर और बहुत सारे एस्पेक्ट इसमें लिखे गए हैं जो आपको पता होने चाहिए इन्हीं को आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं इन लेक्चर्स के अगर आप पी को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो स्टडी मटीरियल सेक्शन से आप जो है पी को डाउनलोड कर सकते हैं राइट और भी चीज़ें हैं वट सो एवर हेल्प यू तो शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो अगर आप देखोगे तो पिछले तीन साल से कॉन्टिन्यूस जो 400 वर्ड्स का क्वेश्चन है वो यहाँ पर टूरिज्म के ऊपर ही पूछा जा रहा है अलग अलग एस्पेक्ट्स पे पूछा जा रहा है सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स पूछे गए फिर वेरियस प्रोमोशनल थीम्स के ऊपर क्वेश्चन आया है इको टूरिज्म क्या है फिर मेजर एनवायरमेंटल कंसर्नस सो ये तो अभी रिसेंट जो है उसमें देखा गया ऐसा नहीं है इसके साथ में जो आपका फोर मार्क्स का रहता है सिक्सटी वर्ड्स में उसमें भी साथ साथ में आ जाता है तो ये सब कुछ जो है हम कवर करेंगे तो शुरुआत करते हैं कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इम्पैक्ट्स पे पूछे जा सकते हैं कि टूरिज्म के इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स uh, क्या हैं एनवायरमेंटल हो गए देन वी टॉक अबाउट सोशल एंड कल्चर इनको देखेंगे चैलेंजेस टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत सारे चैलेंजेस अभी जिनको ओवर कम करना है उनके ऊपर देखेंगे पॉलिसी एंड प्रमोशन टूरिज्म पॉलिसी गोल स्ट्रेटजीज ये बेसिक और कुछ फैंसी वर्ड सीखेंगे देन इज वे फॉरवर्ड फाइनली के आप एक अच्छा कंक्लूड कर सकें कि किस तरीके से इसके ऊपर काम किया जा सकता है राइट right? तो शुरुआत करते हैं इम्पैक्ट्स के साथ में इम्पैक्ट्स आ गए इकोनॉमिकल सोशो कल्चर और इन्वायमेंटल अभी इनमें क्या होगा इनमें दोनों ही रहेंगे पॉजिटिव भी होगा एज वेल एज नेगेटिव भी होगा आपको दोनों साइड्स आने चाहिए जैसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स इन्वायमेंटल इम्पैक्ट्स पूछे गए थे तो आपको पता होने चाहिए शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक से तो अब देखिए किसी भी एरिया में जब टूरिज्म आता है तो क्या होता है तो वहाँ पे बहुत सारी वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है आसपास रहने वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है इससे क्या होगा इससे उनकी इनकम में ग्रोथ होगा और एज वेल एज उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो राइज करेगा और आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज में भी हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है यहाँ पर आप कि हमारे स्टेट जीडीपी में जो टूरिज्म सेक्टर है वो सात प्रतिशत यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है ये भी लिख सकते हैं कुछ स्पेसिफ़िक शब्दों का इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की बात कर सकते हो यानी कि टूरिज्म एज इंडस्ट्री जहां पर आता है आसपास के और जो इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे डेयरी हो गया एग्रीकल्चर है और फिर आपका फूड प्रोसेसिंग है ये भी साथ में राइज़ करते हैं जैसे होटल लाइन्स हैं तो वहाँ पे दूध की ज़रूरत पड़ेगी चाय बनाने के लिए वो कहाँ से आएगा वो आसपास में रहने वाली कम्युनिटीज़ जो हैं डेयरी का जो जो भी उनका है उससे वहाँ पे वो आगे बढ़ेगा तो आसपास की इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर राइज करती है फिर आ गया नेगेटिव इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो हमें मेजर एक चैलेंज देखने को मिलता है दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि ऐसा सीजन जहां पे टूरिस्ट का इंफ्लक्स कम है तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है राइट right? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सोशियो कल्चरल इंपैक्ट के पास में अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं सबसे पहले पॉजिटिव देख लेते हैं कुछ चीज़ें सेम हैं क्या होता है इनकम में ग्रोथ होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो यहाँ पर राइज करता है अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग की तरफ लोग बढ़ते हैं जो कम्युनिटीज़ हैं वो यहाँ पर स्ट्रेंथन करती हैं क्यों क्योंकि उनको एक्सटर्नल वर्ल्ड से एक्सपोजर मिलता है जो मेन स्ट्रीम कल्चर है उसके साथ में उनको एक्सपोजर यहाँ पर मिल रहा है एनकरेज प्राइड यानी कि जो आने वाली जनरेशन है वो अपने कल्चर को याद रखती है कुछ चीज़ें हैं जैसे कि टूरिज्म लवी फेयर हो गया दशहरा हो गया सो वॉट हैपन्स जो आने वाली जनरेशन है इट ऑल्सो टेक्स प्राइड इन दैट कल्चर देन वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्स यानी कि जैसे आपने बहुत बार सुना होगा हेरिटेज जो आपका टूरिज्म है उसके लिए इन बहुत सारे टेंपल्स मोनेस्ट्रीज हो गए फोर्ट्स हैं इनको रिस्टोर करता है तो इस तरीके से हमें स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्सेस भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये बहुत ज्यादा यहाँ पर अगेन इंपॉर्टेंट है नेगेटिव सोशल इम्पैक्ट्स क्या है सोशियो कल्चर पहला है कमोडिफिकेशन कमोडिफिकेशन होता है हर एक कॉमोडिटी बन के रह जाती है ये कुछ फैंसी शब्द है इनका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा को मॉडिफिकेशन यानी कि कोई भी चीज़ जो हमारे लिए एक सीक्रेड या फिर कोई इमोशनल या फिर कोई रिलीजियस वैल्यू रखती है वो सिर्फ एक मात्र कॉम्यूडिटी बन के रह जाती है बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं ऐसे बहुत सारी लेक्स हैं जो कि सीक्रेड हैं वो क्या है जब टूरिस्ट आते हैं तो वो एक कॉम्यूडिटी बन जाती हैं यानी कि वो अपनी ऑथेंटिसिटी को यहाँ पर लूज कर जाती है राइट नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि Uh, ये बेसिकली टूरिस्ट की मांग होती है अनयूजअल प्लेसेस पे यूजुअल फैसिलिटीज़ चाहिए जैसे कि अगर आप आपने स्विस कैंप्स देखे होंगे तो उनके अंदर वॉशरूम्स जो हैं वो प्रॉपर एकदम नए वाले हैं तो uh, उनको एक्सपीरियंस भी चाहिए एज वेल एज उनको स्टैंडर्डाइजेशन भी चाहिए नेक्स्ट आता है अ कल्चरेशन सोशोलॉजी की टर्म है उसमें हम देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन यानी कि अपना जो कल्चर है वो मिक्स होता जा रहा है जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं किन्नौर की कि नॉर में पहले ट्राइबल मैरिजेस हुआ करती थी विच वर डिफरेंट उसमें सात फेरे हिंदू धर्म की तरह नहीं है कि उसमें सात फेरे लिए जाते हैं लेकिन आने वाले टाइम में अभी क्या देख रहे हैं हम लोग कि वो भी चूड़ा डालते हैं वो भी फेरे ले रहे हैं तो उनका जो अपना कल्चर है वो कहीं ना कहीं जो है मिक्स होता चला जा रहा है और वो एक दिन यहाँ पर जो है आगे बढ़ जाता है और मिक्स हो जाता है मेन स्ट्रीम के साथ नेक्स्ट इज कल्चरल क्लैशेस कॉन्फ्लिक्स देखने को मिलते हैं जैसे आप लोग बोलते हो कि डेली के जो लोग होते हैं वो बहुत गंदी गाड़ी चलाते हैं एकदम बीच में से चलाते हैं है ना इस तरीके कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं या रोहतांग टनल में आपने सुना था इस तरीके के जो क्लैशेज़ हैं या कॉन्फ्रेंटेशन हैं वो होते हैं एथिकल इशूज एथिकल इशूज़ होते हैं क्राइम्स बहुत सारा जो क्राइम रेट है वो भी इंक्रीज करता है साइबर हो चाहे वैसे हो साइबर जो हमें क्राइम्स हैं उसमें हायर रेट्स रहते हैं प्राइवेसी जो है वो एक मिथ बन जाता है and then the economic inequality so these are the negative impacts of tourism on socio-cultural life next the environmental impacts ये तो लाइक इसमें नेगेटिव ज्यादा ही है ऑब्वियसली पॉजिटिव में हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल नेचुरल इन्वायरमेंट ये कभी है ये जब हम इको टूरिज्म की बात करते हैं इको टूरिज्म में हम एक शब्द यूज करते हैं सस्टेनेबल यानी कि किस तरीके से हमने बैलेंस करना है टूरिज्म भी करना है लाना है एज वेल एज जो अपनी हमारी प्रॉपर्टी है एन्वायरमेंट है उसको भी सेव करना है तो इको टूरिज्म जब से आया है तब से दिस इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट फिर हम बात करते हैं नेगेटिव्स की तो ये नेगेटिव इन्वायरमेंटलैक्ट इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा है जैसे कि वैंडलिज्म प्रॉपर्टी को जो भी डैमेज पहुंचता है हमारी प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत पुरानी पुरानी है अगर आप शिमला में जाओ तो इतनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं देन हम फोर्ट्स देखते हैं टेम्पल्स हैं तो वैंडलिज्म होता है लीटरिंग एंड पोल्यूशन अटल टलन में सुना था कि लोगों ने जो है बहुत ज्यादा पोल्यूशन वहां पर किया था इसी के लिए दो प्लास्टिक जो है वो बैन है उसके बावजूद यहां पर हम लीटरिंग और पोल्यूशन देखते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स है इंक्रीज फूड कार्बन फुटप्रिंट एंड इंक्रीज कंजेशन यानी कि जो आपके टूरिज्म क्लस्टर्स हैं शिमला हो गया मनाली हो गया यहां पर बहुत ज्यादा कंजेशन हमें देखने को मिलता है तो ये आपके नेगेटिव इंपैक्ट आगे ये चीजें सेम लिखी गई हैं ये थोड़ी आसान भाषा में है आपने इनको बाद में पढ़ लेना है सेम है वैसे मैंने आपको सब कुछ बता दिया बट यू कैन गो थ्रू दिस वन आगे हम सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं विच इज दी हिमाचल प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी 2019 में ये आई थी और इसमें बहुत सारी चीजें दिए गए हैं जैसे कि गोल्स पॉलिसी ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी तो इसको आप यूज भी कर सकते हो अपने आंसर में एज वेल एज डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गोल्स क्या हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और स्ट्रेटजी क्या है अगेन ये इंटरचेंजेबली आप लिख सकते हो इनको ऑब्जेक्टिव्स को स्ट्रेटजी में इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेम सेम लेकिन अगेन सिंस ये एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है तो एग्जैक्टली exactly लिखोगे तो मॉडल आंसर उनके पास वैसा आया होगा आपको अच्छे जो है मार्क्स के लिए आप एग्जैक्ट वर्ड्स लिख सकते हो ये पॉलिसी किस चीज़ की बात करती है ये पॉलिसी बात करती है किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है सोशल इनकॉलिटी को कम करना है पॉवर्टी को रिड्यूस करना है और सस्टेनेबल मैनर में अपनी हेरिटेज को भी कंजर्व करना है ये पॉलिट जो आपकी पॉलिसी है ये बात करती है डायवर्सिफिकेशन के बारे में जहाँ पर इसने थीम बेस्ड डेवलपमेंट का पार्ट दिया दैट uh, इज थीम बेस्ड टूरिज्म को प्रमोट किया थीम टूरिज्म में इसमें बात की गई अलग अलग थीम्स के बेसिस के ऊपर टूरिज्म को बांटा गया जैसे कि इको टूरिज्म एग्रो टूरिज्म देन स्नो लेक uh, माइस फिल्म पिलग्रिमेज एडवेंचर हेरिटेज एंड के लिए पूछ लिया जाए। तो इसके लिए आपको कुछ कुछ चीजें जो है इनके बारे में पता होनी चाहिए एक एक दो दो पॉइंट इको टूरिज्म से शुरुआत कर लेते हैं अगेन ये बात करता है सस्टेनेबल इको टूरिज्म डेस्टिनेशन की यानी कि हमारे पास में जो ऑलरेडी इको सिस्टम है हमारे पास में ऑलरेडी जो बायोडाइवर्सिटी है उसके रहते हुए जो है टूरिज़्म को अट्रैक्ट किया जाए इसमें नेचर पार्क्स बनाए जाते हैं इको ट्रेल्स बर्ड इको हट्स ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि आपने ऊना का एग्जाम्पल सुना होगा ऊना में जो है आपका बहुत बड़ा एक एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए पार्क बनाया गया उसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं टूरिज़्म के लिए जैसे कि उसमें एक बटरफ्लाई पार्क है उसमें एक बटरफ्लाई पार्क है नाइट गार्डन है सो दीज आर द थिंग्स जिनको एड किया गया विदाउट डिस्टर्बिंग द इन्वायरमेंट एंड स्टिल जो है टूरिज्म यहाँ पर अट्रैक्ट होगा इससे आपकी जो जनरेशन है रेवेन्यू में वो भी होगी आसपास की कम्युनिटीज़ को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और जो बेनिफिट है वो बिल्कुल उसी तरीके से आगे चलता रहेगा इको टूरिज्म में सबसे आगे कौन है तो वो है लाहौल एंड स्पीति लाहौल एंड स्पीति ने अपनी एक इनफैक्ट सोसाइटी बनाई हुई है लाहौल इको टूरिज्म सोसाइटी तो ये अपने पोटेंशियल uh, पे यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें एक और एग्जाम्पल को आप लिख सकते हैं हम बात करते हैं शिमला डेवलपमेंट प्लान की वैसे तो इसको एनजीटी ने खारिज कर दिया है फिलहाल के लिए लेकिन इसमें बात की गई है सैटेलाइट टाउन्स बनाने की यानी कि शिमला में जो बहुत ज्यादा कंजेशन है उसको किस तरीके से डाइवर्ट किया जा सकता है आसपास के विलेजेस में इको हट्स बना के ट्रेल्स बना के ट्रैकिंग एरियाज बना के तो आसपास के एरिया है नाल देरा चमियाना, फागू सो so इस वाले एरिया में तो दिस इज पार्ट ऑफ अगेन इको टूरिज्म के किस तरीके से जो नेचुरल एरिया है उसी को यहाँ पर यूज किया नेक्स्ट है एग्रो टूरिज्म या ऑर्गेनिक टूरिज्म इट इज़ दी पार्ट जहाँ पर हमारे पास में कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जिनको दिखाया जा सकता है टूरिज्म को उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नो डाउट जरूरी है जैसे हम बात करते हैं टी गार्डन्स की तो टी गार्डन के आसपास में ट्री हाउसेस बनाए गए हैं हाइट पे ताकि वहाँ से जो है टी गार्डन यहाँ पर uh, देखे जा सके और बहुत ही साइट सीन जो है ब्यूटिफुल यहाँ पर की जा सके इसी तरीके के जो ऑर्गेनिक एप्पल ऑर्चिड्स हैं उनके सामने हट्स बनाए गए हैं दिस इज दार्ट ऑफ दी ऑर्गेनिक और दग्रो टूरिज्म नेक्स्ट है स्नो टूरिज्म ये हमें देखने को मिलता है जब बहुत बड़ी बड़ी चैंपियनशिप है जैसे हमने नाइन्थ विमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप देखी थी उसको लाहौल एंड स्पीति में ऑर्गेनाइज किया गया था इस तरीके की चैंपियनशिप्स को uh, जब ऑर्गेनाइज uh, किया जाए तो आपके दिमाग में आए कहाँ जाना है दैट इज लाहौल एंड स्पीति या फिर हिमाचल सो दिस इज स्नो टूरिज्म नेक्स्ट इज लेक टूरिज्म लेक टूरिज्म की हम बात करते हैं वी हैव अ लॉट ऑफ लेक्स हाई ऑल्टीट्यूड लो ऑल्टीट्यूड मिड ऑल्टीट्यूड तो उनमें बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं रिवर राफ्टिंग हो गई एंगलिंग हो गई देन वी टॉक अबाउट बर्ड वॉचिंग जैसे पोंग डैम की अगर मैं बात करूं तो पोंग डैम में बहुत सारी माइग्रेटरी स्पीशीज़ आती हैं आपकी हमें रडी शेल्डक देखने को मिलती है देन वी टॉक अबाउट अलाट ऑफ बर्ड्स वहाँ बहुत सारे बर्ड्स आते हैं तो उन्हीं के लिए एक प्रॉपर सेटअप बना के बर्ड वॉचिंग जो है वहाँ पर की जा सकती है इट विल बिकम द पार्ट ऑफ लेक टूरिज़्म नेक्स्ट इज एडवेंचर टूरिज्म यहाँ पर आगे मैं आपको स्कीम्स भी बताने वाली हूँ नई राहें नई मंजिले की जैसे हम बात करते हैं बीड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग करवाई जाती है सो दैट इज द पार्ट ऑफ एडवेंचर टूरिज्म नेक्स्ट इज पिलग्रिमेज टूरिज्म अगेन हम लोग स्कीम भी देखेंगे लेकिन इसमें पिलग्रिमेज जो है ऐसे प्लेसेज हैं जहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं ऐसे प्लेसेज बिल्डिंग श्राइन्स को वो विजिट करते हैं इट बिकम्स द पार्ट ऑफ पिलग्रिमेज टूरिज्म नेक्स्ट इज कल्चरल एंड हेरिटेज वी हैव अ वेरी रिच कल्चर चाहे हम हैंडी से बात करें चाहे कुजीन से चाहे ऑर्नमेंट्स में ट्राइबल uh, कल्चर में आप देखो बहुत सारा कल्चर है एंड इट बिकम्स द पार्ट ऑफ़ दिस टूरिज्म इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे म्यूज़ियम जैसे uh, स्पीति में जो आपकी ताबो मनस्टी है उसमें भी एक म्यूज़ियम बनाया गया है सो इट बिकम्स द पार्ट ऑफ कल्चरल एंड हेरिटेज टूरिज्म नेक्स्ट इज वेलनेस एंड हेल्थ सो पंचकर्मा टेक्निक्स हो गई कि हमालयास में आगे इस तरीके के आयुर्वेदिक टेक्निक्स को आयुर्वेदिक स्पास को सेंटर्स को प्रमोट किया जाए तो दैट दैट इज द पार्ट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म नेक्स्ट इज फिल्म टूरिज्म बहुत सुंदर सीनिक ब्यूटी हमारे पास में है तो ऑन्टरप्रनोर जो है उनको आगे लेकर आना है इस तरीके के फिल्म टूरिज्म के लिए नेक्स्ट इज एम आई सी ई जैसे हमने uh, जब लॉकडाउन हुआ था तो हमने सुना था वर्क फ्रॉम माउंटेन्स वर्क फ्रॉम माउंटेन्स आया था ना जब वर्क फ्रॉम होम था सो इट द होल आइडिया इज कि कॉन्फ्रेंस एग्जिबिशन इंसेंटिव या मीटिंग जब भी इस तरीके की कोई अच्छी आ, जो है डेस्टिनेशन चाहिए हो तो उसके लिए हिमाचल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो इस एरिया में काम कर रहे हैं और बहुत सारा पोटेंशियल भी है जो एक्सप्लोर किया जा सकता है जैसे कि हम लोग इको टूरिज्म के बारे में बात करें मैंने आपको बताया लाहौल एंड स्पीति में ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म किया जा रहा है इस एरिया में इस तरीके से यहाँ पे ये यह जो पॉइंट्स है ये आप लिख सकते हैं ये बहुत आपके काम आएंगे जैसे हेल्थ की अगर हम बात करें तो कांगड़ा आगे है वेरअसनो टूरिज्म की अगर हम बात करें तो कुल्लू बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी यहाँ पर अभी जो है जिनके ऊपर काम किया जा सकता है नेक्स्ट हम कुछ स्कीम्स देख लेते हैं जिनको आप अपने आंसर में बहुत अच्छे से मैंशन कर सकते हैं नई राहें नई मंजिलें तो ये यह यहाँ पर है और इसमें कुछ टूरिस्ट पॉइंट का मेंशन किया गया है स्पेसिफिकली एडवेंचर टूरिज्म आप देख सकते हो पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन बनाना है बिलिंग को देने स्की डेस्टिनेशन बनाना है चांछिल को एंड uh, झंझेली है मंडी में सो इट इज पार्ट ऑफ इको टूरिज्म डेस्टिनेशन सो इस तरीके से हम लोग देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन है इनको आप कोट कर सकते हैं फिर आ गई स्वदेश दर्शन स्कीम ये हम हेरिटेज और पिलग्रमेज दोनों को यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं केंद्रीय सरकार जो है इसका सारा का सारा खर्चा उठाती है और इसमें कुछ आ, आपके सर्किट्स बनाए गए हैं कुछ एरियाज को मिलाकर यहाँ पर सर्किट्स बनाए गए हैं और हिमाचल उसमें से एक का पार्ट है वो है हिमालयन सर्किट यहाँ पर ये यह है सो हेयर कम्स दी ये है आपका हिमालयन सर्किट इसमें कौन कौन सी जगह है इसका मैंशन भी आपने करना है दैट इज क्यारा घाट शिमला हाटकोटी मनाली कांगड़ा धर्मपुर बीर बिलिंग Uh, पालमपुर और चंबा सो so दे ये जो है आपका हिमालयन सर्किट एक और स्कीम इंपॉर्टेंट यहां पर रहती है दैट इज प्रसाद स्कीम पहले प्रसाद थी अभी प्रसाद हो गई है दैट इज नेशनल मिशन फॉर पिलग्रिमेज रेजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको लॉन्च किया था डिफरेंट पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन को अगेन uh, डेवलप करने के लिए कि किस तरीके से लोग वहां पर आ सकते हैं इसमें हिमाचल की एक साइट है उसका आप मेंशन करेंगे दैट इज मां चिंतपूर्णी ऊना में है और इसको इसमें ऐड किया गया है तो अभी हम बात करने वाले हैं टूरिज्म पॉलिसी के विजन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव और वही जो मैंने फैंसी शब्द कहा था उनके बारे में सो अब हम बात करने वाले हैं टूरिज्म पॉलिसी के विजन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी के बारे में जो मैंने फैंसी शब्दों की बात की थी ना जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स वहां पर लेकर आएंगे उन्हीं शब्दों की तो विजन में अगर मैं बात करूं विजन क्या रहेगा इसका तो दैट विल बी कि हिमाचल प्रदेश को लीडिंग डेस्टिनेशन बनाना है टूरिज्म के लिए जो साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ uh, भी यहां पर लेकर आएगा अगेन स्पेसिफिक सिर्फ यही शब्द लिख देना जो है आपको वहां पर मार्क्स देगा दैट इज हिमाचल प्रदेश एज अ लीडिंग ग्लोबल सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन फॉर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे जितने भी स्ट्रेटजीज हैं गोल्स हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हमने 2029 तक यहां पर पूरा करना है अगेन द ईयर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज 2020 मिशन के कुछ स्टेटमेंट्स हैं जैसे कि अगेन वही हम जो कॉम्युनिटीज हैं तीन इसके जगह हैं जो कॉम्युनिटीज हैं वो भी खुश रहें देन इज आपका जो टूरिस्ट आए वो भी खुश रहे और जो हमारा एनवायरमेंट है उसको भी कोई नुकसान ना हो तो तीन ही पहलू हैं जिनके ऊपर इसमें बात की जाती है किस तरीके से इन तीनों को जो है बैलेंस किया जाए इसी के लिए कुछ गोल्स बनाए गए हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश को हमें इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आनी है इक्वालिटी इंश्योर करनी है टूरिज्म का टूरिस्ट का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होना चाहिए और हमें प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है इन्वेस्टमेंट uh, है इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको यहां पर इंक्रीज करना है इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट गोल्स रखे गए हैं कुछ शॉर्ट टर्म है मिड टर्म है क्योंकि ट्वेंटी तक करने ना पूरे तो ये अलग अलग जो है यहां पर टर्म्स रखे गए हैं इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी हैं अब जो स्ट्रेटेजी हैं ये आप वे फॉरवर्ड में भी लिख सकते हो कि किस तरीके से टूरिज्म को इंक्रीज किया जा सकता है या गवर्नमेंट क्या कर रही है तो दिस इज दैट पार्ट जहां पर हम बात करते हैं कि पहले तो हमने थीमेटिक टूरिज्म को प्रमोट करना यहां पर शुरू किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज किया जा रहा है देन जो हम लोग बात करते हैं कि ब्रांडिंग प्रॉपर की जा रही है ब्रांडिंग में आपको दिखाती हूँ दिस इज ब्रांडिंग दिस इज द लैंड ऑफ गॉड्स अवेट वेयर यू आर या हिमाचल की, की देवभूमि में आपका स्वागत है सो दिस इज कॉल्ड द ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी में और क्या हम देखते हैं कि किस तरीके से आपका जो ग्रीन प्रैक्टिस हैं उनको uh, देखना है होम स्टेज का देखना है अगेन गवर्नेंस जो है वो भी इसके साथ में पैरल ही आ जाएगा ट्रैकिंग टूरिज्म जो है वो बनाया जा रहा है और जो कल्चरल कल्चरल और हेरिटेज साइट्स हैं उनको किस तरीके से प्रमोट करना है अलग अलग अगेन उसके लिए सर्किट्स बनाए गए हैं शिवा सर्किट देवी सर्किट सिख सर्किट हम लोग देखते हैं सिंस तीनों है रिलीजन हमें यहाँ पर प्रोमिनेंट देखने को मिलते दे। हैं so, सो इस तरीके से आप जो है स्ट्रैटेजी में या फिर इसको वे फॉरवर्ड में यहाँ पर लिख सकते हैं नेक्स्ट काम नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ टूरिज्म मैक्सिमम जो है वैसे इसमें से एनवायरमेंटल ही है जो जो हमने इंपैक्ट पढ़े ना जो नेगेटिव वाले थे वो आप सारे उनको बांट के जो है लिख सकते हो इकोनॉमिक हमने देखी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है फिर हमने कल्चरल देखे कल्चराइजेशन uh, हो रहा है मॉडर्नाइजेशन हो रहा है कमोडिफिकेशन है देन uh, जो आपका इनकम इन है इस तरीके से आप लिख सकते हैं और जो लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज़ एनवायरमेंटल जो नेचर है हैबिटेट है वो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन उसमें हमें देखने को मिल रही है कंजेशन बहुत ज़्यादा है यानी कि ओवर स्ट्रेन है सिटी आपने शिमला वाटर क्राइसिस के बारे में सुना होगा उसमें क्या था उसमें वही कि रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लॉयट हो रहे हैं तो कंजेशन काफ़ी ज़्यादा है टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंस इंक्रीज पोल्यूशन वैंडलिज्म डिस्ट्रक्शन ऑफ ये वैंडलिज्म था सो दीज आर दी नेगेटिव क्राइम रेट्स के बारे में आप लोग लिख सकते हो दीज आर द नेगेटिव दिवैक्ट ऑफ टूरिज्म चैलेंजेस क्या है चैलेंजेस रहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिनको डेवलप नहीं किया गया है जैसे जो चाइना uh, um, हम तिब्बत के साथ में करीब 260 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं तो उसके आसपास के जो विलेजेस हैं उनको बिल्कुल भी डेवलप नहीं किया गया तो वहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना है रिसोर्सिस को मैनेज करना है वही सस्टेनेबल शब्द का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट जो है वो हर जगह पहुँचना चाहिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है जो अगेन प्राइवेट एरियाज की हम लोग बात कर रहे हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट दे किसी भी प्रोजेक्ट में या इंफ्रास्ट्रक्चर में सो दैट इज इंपॉर्टेंट और भी कुछ रहेगा तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो सो दैट इज इट फॉर टुडे आई होप इसके साथ में आप एक अच्छा आंसर लिख सकेंगे और यहाँ पर आपके लिए दो क्वेश्चन दिए गए हैं पहला है एट मार्क्स के लिए और दूसरा है ट्वेंटी मार्क्स के लिए इसको आप इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं आपको एज सुन एज पॉसिबल जो है हमारे टीचर्स इसको इवेलुएट करके देंगे पहला सवाल है वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इको टूरिज्म नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ इको टूरिज्म इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश Next is discuss the different types of tourism prevalent in Himachal Pradesh and throw the light on social, economical, ecological, and cultural impacts of tourism in Himachal Pradesh. So, these are your two question uh, Write well and all the very best.